राय भी। तो लक्ष्मी अय्यर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है, सीईओ हैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आम की वो सीईओ। लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या कुछ अच्छा लगा बजट में और क्या कुछ खराब? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो अच्छी चीज से शुरुआत करूंगी ऑब्वियसली, वो ये थी जिसको मैंने बताया भी था ट्विटर में गुड न्यूज करके, वो ये है कि ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल डिसिप्लिन की जो चर्चे हो रहे थे, इन्होंने उसका एक ग्लाइड पाथ भी दिया है और वो उसको ब्रीच नहीं करेंगे, जैसे हम बोलते लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगे। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज थी बजट के लिए और मार्केट्स के लिए। जो 5.1% फिस्कल डेफिसिट के अंदाजे लगाए जा रहे थे और जो इंटरिम बजट में भी वही नंबर पास हुआ था, वो 4.9 पे हुआ है, और जो अगले साल का है 2026 फाइनेंशियल ईयर का है वो नंबर भी कंट्रोल में है। तो ये बहुत ही सराहनीय चीज है। दूसरी चीज जो है कि आपने थोड़ा बहुत वेलफेयर के हिसाब से सोचा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो बैलेंसिंग एक्ट जिसको हम बोलते हैं, जो हर बजट में बहुत जरूरी होता है, जो आम तौर पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखते हैं, वो इन्होंने काफी अच्छी तरीके से दर्शाया है। और जो नॉट सो गुड न्यूज जिसको हम बोलते हैं, वो कि आपने एलटीसीजी एसटीसीजी दोनों एक साथ देखा बढ़ते हुए, और एसटीटी यानी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वहां पे भी, जो एफएनओ में है वहां पे भी हमने इंक्रीज देखा। तो ये ऑन बैलेंस अमंग द एंटायर बजट की हम बात करें तो वो एक थोड़ा सा नियर टर्म सेंटिमेंट डैम्पनर जिसको हम बोलते हैं, वो एक न्यूज थी। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया आपको, एक संतुलन जो उन्होंने बनाने की कोशिश करी है वो काफी सराहनीय है। लेकिन अब आगे बाजार का डायरेक्शन क्या, लक्ष्मी जी क्या आपको लगता है कि तेजी पर ब्रेक लगेगा, नया हाई बनाने में वक्त लगेगा, या सिर्फ बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी, या फिर अब हम थोड़ा और करेक्ट हो सकते, कमजोर भी हो सकते, कैसे देख रही हैं आप? दो चीजें हैं, बढ़ने की रफ्तार धीमी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप विदेश के आंकड़े देखिए, ग्लोबल मार्केट्स की परिस्थिति देखिए, तो वहां के मुकाबले में हमारा प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि बात मानती हूँ कि हमारे ग्रोथ के आंकड़े भी उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ने पे हल्का सा ब्रेक बहुत जरूरी है। तो वो किस तरीके से आएगा, क्या वो कोई ग्लोबल इवेंट के चलते आएगा, या वो एक बजट को जितना लोग अब्सॉर्ब करेंगे उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें रोक आएगा, आप जैसे भी देखो एक रोक बहुत जरूरी था। और अपने जो अर्निंग सीजन जिसको हम Q1 के आंकड़ों के नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आने शुरू हो गए, अभी तो आने बाकी है, और पर वो भी एक मिक्स सिग्नल दर्शा रहा है। तो ये सब के चलते हमें लगता है कि यहां से मार्केट काफी साइडवेज मूव हो सकता है। ऐसी कोई जोर धड़ाके की तेजी का अनुमान ना कीजिएगा। हालांकि ये भी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये बजट इन्फ्लेशनरी नहीं है, तो ये पॉलिसी के चलते तो डेफिनेटली पॉजिटिव है कंटिन्यूटी के हिसाब से, लेकिन साइडवेज मूवमेंट और जो सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक, यहां से ज्यादा चलने की उम्मीद है। ओके लक्ष्मी जी, बैंक्स को डिपॉजिट की समस्या मिल नहीं रही, उसके ऊपर सोना अच्छा खासा सस्ता हो गया उम्मीद से कहीं ज्यादा, तो क्या आपको लगता है कि बैंक से और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट से पैसा गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा? इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो टैक्स स्ट्रक्चर जो काफी रैशनलाइज कर दिया है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, और एक साल और दो साल जो लॉन्ग टर्म के लिए किया है, इस हेतु गोल्ड में तो खैर पैसा जाना ही है, क्योंकि वो गोल्ड में ओवरऑल व्यू भी हमारा पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि इंक्रीमेंटली जैसे इन्होंने कस्टम्स ड्यूटी की कटौती की है, तो वो जो गोल्ड में है बाय ऑन डिप्स का हमारा नारा अभी भी बरकरार है। लेकिन ये जो फिनेंशलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो लहर चली है और चलती आ रही है काफी सालों से, हमें लगता है कि ये जो टैक्स स्ट्रक्चर ये करने के बाद ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये फिनेंशलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ये चलता रहेगा। और जो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट्स या डिपॉजिट की ग्रोथ की बात जो हम कर रहे हैं,
वो जो पहले था वो अभी भी बरकरार रहेगा। हालांकि जो लोग फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जो सर्टेनिटी की इच्छा रखते हैं, जिनको अशोर्ड रिटर्न चाहिए कि हमको इतना ही रेट चाहिए, वो अभी भी उनका रुझान फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरफ ही चलेगा। और इंडिया में इतनी तेजी से और इतनी जल्दी हमको ब्याज दरें कटती हुई नहीं दिख रही है, तो हाई लेवल पे अगर आपको लॉक इन करना है तो आज की तारीख में भी फिक्स्ड डिपॉजिट ठीक ही लग रहा है। ओके, तो ये बात सही है कि थोड़ा गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट का रुझान बनेगा। अगर आप गोल्ड पे पॉजिटिव भी है, ये भी हमें जानने को मिला। अब ये बताइए कि पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने चाहिए, किस तरह के सेक्टर्स पर ओवरवेट रहें, कहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर कम रखें। तो जो सिक्लिकल सेक्टर्स है, जो कि हर सेक्टर रोटेशन तो खैर हमको दिख ही रहा है, काफी रैम्पेंटली हो रहा है, लेकिन जो डिफेंसिव, जिसको हम बोलते हैं, जो काफी हद तक चले नहीं है, जो हाई बीटा सेगमेंट्स नहीं है, जैसे एफएमसीजी का क्षेत्र हो या फिर थोड़ा बहुत फार्मा सेक्टर हो, वहां पे हमारे हिसाब से निवेशकों का रुझान ज्यादा होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। और दूसरी चीज, अगर आप देखो तो कृषि क्षेत्र के लिए भी काफी सारी चीजें इन्होंने घोषणा की है, तो वो एक पॉजिटिव है। कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स जो इन्होंने टैक्स की थोड़ी बहुत राहत दी है, तकरीबन 17-18 हजार करोड़ का मुनाफा होगा, जो एक्स्ट्रा जो जिसको हम वॉलेट स्पेंड की हम बात करते हैं, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक सेगमेंट हमको ठीक लग रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन या जो साइडवेज मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, और एक करेक्शन भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूं, हम एक एजुकेटेड सा गैस ही ले सकते हैं कि करेक्शन कब आएगा या कैसे आएगा, लेकिन ये जो सारे ट्रिगर्स है, ये जो सारे आसार आपको बता रहे हैं कि थोड़ा डिफेंसिव की तरफ रुझान, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में अब भी मैं कहना चाहूंगी कि लार्ज कैप की तरफ रुझान ज्यादा होना चाहिए, आज की तारीख में निवेशकों की रणनीति ये होनी चाहिए। लार्ज कैप चलते नहीं और मिड कैप रुकते नहीं, वैसा हाल हो गया। आज फिर से देखिए, सबको लगता है कि लार्ज कैप बढ़ने चाहिए और मिड कैप भी भागे जा रहे हैं। अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके भी बैठे थे, बहुत सारे लोग का पास पैसा भी था, तो बोले बजट के बाद लगाएंगे, बजट खराब है। अच्छा, जितना सोचते थे उतनी सब चीज़ें नेगेटिव आ भी गई, अब भी घटता नहीं है, पैसा पड़ा है, क्या करें। देखिए अनिल जी, एक कहावत है, जब दर्द हद से ज्यादा हो जाता है ना, तो आंसू भी खुशी के आंसू हो जाते हैं, तो मार्केट भी कुछ ऐसा ही दर्शा रहा है कि जोर का झटका शायद थोड़ा जोर से लगने के बावजूद भी ये जो लिक्विडिटी की सुनामी है, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे निवेशक जो डोमेस्टिक है या फिर इंस्टीट्यूशंस है, या फिर हम विदेश का पैसा देखें, जो एफपीआई का हम पैसा देखें, वो लगातार पैसा लगाए जा रहे हैं। जुलाई के महीने में उन्होंने डेट में भी पॉजिटिव कारोबार किया है और इक्विटी में भी कारोबार पॉजिटिव ही किया है, तो हम कैश में रहने की सलाह तो नहीं दे रहे, लेकिन जो बरसात हो रही है तो गाड़ी तो चलानी है, हम गाड़ी चलाने से तो रुकेंगे नहीं, लेकिन आपके जो अस्त्र शस्त्र है, जो आपके एयर बैग्स है, टाइटन कीजिएगा, वो सब जो चीजें हैं ना, वो लेकर जाना बहुत जरूरी है। तो ऐसी तरीके से अगर आप पैसा डिप्लॉय करके स्टैगर्ड तरीके से लगाओगे ये बाजार में, ये ठीक बात रहेगी, ना कि आप पूरा बाहर बैठिए, क्योंकि इवेंट पे ना आपका ना मेरा कोई काबू है, तो ये इवेंट तो आते रहेंगे, अगले 190 दिन में एक और बजट आ जाएगा, लेकिन हम बजट पे बजट या इलेक्शन के हिसाब से हम पोर्टफोलियो को डेफिनेटली पोजीशन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, जब तक लिक्विडिटी है तब तक तो कहाँ मार्केट घटेगा, कहाँ रुकेगा। लोकल इन्वेस्टर्स की, म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी है, और वैसे लक्ष्मी जी एक तरह से बढ़िया भी है, लिक्विडिटी फंड के पास रहे, लोगों की जेब में रहे, वो ज़्यादा बढ़िया है। लोगों की आंखों में लिक्विडिटी ना आए इतने इस बजट को देखने के बाद भी, ये इम्पोर्टेंट है, आंखें नम नम ना हो, लिक्विड ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमेशा आपसे बात करके बड़ा आनंद आता है और बहुत डीप इंसाइट भी मिलती है। थैंक यू।